हेलो स्टूडेंट्स मैं आचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक सिक्स का चैप्टर सिक्स इंट्रोडक्शन टू एस टी एम एल फाइव एंड सी एस एस थ्री आइए इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एस टी एम एल्स के बारे में उसके एडिटर्स के बारे में टैक्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में सी एस एस थ्री के बारे में और सी एस एस स्टाइल्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स इंट्रोडक्शन टू एस टी एम एल फाइव एंड सी एस एस थ्री आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एस टी एम एल एस टी एम एल एडिटर्स टैक्स एंड एट्रीब्यूट रूल्स और राइटिंग एस टी एम एल फाइव कोर्ट एस टी एम एल फाइव डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर टैग ऑफ एस टी एम एल क्रिएटिंग एंड सेविंग एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट व्यू एस टी एम एल डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूसिंग सी एस एस थ्री यूजिंग सी एस एस स्टाइल एडिटिंग एंड एक्सिस्टिंग एस टी एम एल डॉक्यूमेंट वार्म अप स्टेशन की हम बात करते हैं वॉट आर दॉल्ड ये जो इमेजेस होती है ये हमारी इमेजेस क्या कहलाती है ये हमारी इमेजेस कहलाती है वेब पेजेस एस टी एम एल की हम बात करते हैं एस टी एम इज एन एब्रीविएशन फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस बायटिलाइजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज देखिए जो एस टी एम एल है वो हमारे एब्रीवेशन है उसका हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज उसका एब्रीवेशन होता है ये क्या करती है हमारे वेब पेजेस को मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू HTML is an abbreviation for hypertext markup language. The link between web pages is defined by hypertext to define the text document within the tag that specifies the structure of a web page. A markup language is employed. This language is used to annotate, create notes for the computer text so that it can be understood and manipulated by a machine. The majority of markup languages, for example, HTML are human readable. The language uses text to specify what text processing is required. देखिए जो HTML है उसका मेन पर्पस क्या होता है वेब पेजेस क्रिएट करती है वो वेबसाइट्स के लिए ये क्या करता है इसके अंदर हम क्या करते हैं हाइपर टेक्स्ट के थ्रू क्या करते हैं हम पेजेस को आपस में लिंक करते हैं और वेबसाइट को क्रिएट करते हैं इसके अंदर है अपने खुद के क्या है? होते हैं टैग्स होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करके वेब पेजेस को क्या करा जाता है क्रिएट किया जाता है एस टी एम एल इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट ब्राउजर्स यूज टू अल्ट्रा टेक्स्ट पिक्चर्स एंड अदर कंटेंट्स फो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड इन द डिजायर्ड फॉर्मेट देखिये एस टी एम एल के जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है इसके अंदर हम ब्राउजर्स के यूज करके इसके अंदर क्या कर सकते हैं जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको एक डिजायर्ड फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं हाइपर की बात करें इज द मैथड बाय विच यू कैन विच यू मूव अराउंड ऑन द वेब बाय क्लिकिंग ऑन अ स्पेशल टेक्स्ट कॉल हाइपर लिंक विच ब्रिंग यूर टू नेक्स्ट पेज देखिए हाइपर एक मैथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं यूज करके हम पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अरलिंक

Your browser to contact a server, you will receive an HTML and CSS response. The HTML has several tags which make your web page more appealing and recognizable. HTML5 रिसेंटली एडिट एडिशनल टेक्स एंड फीचर्स टू हेल्प विद द क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल लुकिंग वेब पेजेस देखिए जब भी हम क्या करते हैं वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए अगर हमें वेब पेजेस की बात करते हैं हम क्रिएट करने के लिए बात करते हैं ब्राउजर्स वगैरह क्रिएट करने का के काम तो करते सबके सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं हाईपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज एस टी एम एल के थ्रू कर सकते हैं इसका भी एक लेटेस्ट वर्जन एस टी एम एल फाइव आया है जिसके अंदर और ज्यादा अच्छे क्या है टेक्स और एट्रीब्यूट जिनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं आइए इसका फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं Tim Berners-Lee invented HTML in 1991 HTML 1.0 was the original version but HTML 2.0 issued in 95 was the first standard version देखिए जो HTML था उसको सबसे पहले Tim Berners-Lee ने उसको इंट्रोड्यूस किया था 1991 के अंदर इसका सबसे पहला जो वर्जन था वो था HTML 1.0 था और इसका जो बाद में इसके HTML 2.0 हमारा 0 आया जो 1995 में रिलीज हुआ जो एक स्टैंडर्ड वर्जन था आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका फीचर्स ऑफ एस टी एम एल देख लेते हैं एस टी एम एल फीचर्स इंक्लूड जो एस टी एम एल के फीचर्स हैं, वो क्या है इट इज द सिंपल टू यूज एंड सिंपल टू लर्न ये बहुत ज्यादा सिंपल होती है यूज करने में और लर्न करने में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर क्या होता है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है अब वेब पेज कैन इंक्लूड ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस जो वेब पेजेस होता है वो हमारा ऑडियो वीडियो और इमेजेस को इंक्लूड कर सकता है द टेक्स्ट में इंक्लूड हाइपर टेक्स्ट जो इसके अंदर टेस्ट को इंक्लूड किया था वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है दिस लैंग्वेज यूज यूजेज मार्कअप ये लैंग्वेज जो होती है हमारी मार्कअप यूज करती है आई एम इसका प्रैक्टिस स्टेशन देख लेते हैं एस टी एम एल फाइल्स आर सेव विद एस डॉट एस टी एम एल एक्सटेंशन जो एस टी एम एल की जो फाइल होती है हमारी डॉट एस टी एम एल एक्सटेंशन से क्या की जाती है सेव की जाती है आइए हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ़ एस की बात करते हैं वेबसाइट्स आर क्रिएटेड विद एस जो एस की एडवांटेजेस होती है वो जो वेबसाइट जितनी भी होती है वो हमारे किसके थ्रू क्रिएट की जाती है एस के थ्रू क्रिएट की जाती है ऑल ब्राउजर्स आर कॉम्पिटेंट विद इट जो भी जितने भी ब्राउजर्स होते हैं उसके कॉम्पिटेंट इसके साथ ही काम करते हैं इट कैन बी कॉम्बाइंड विद अदर लैंग्वेज लाइक सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर हम अदर लैंग्वेजेज जैसे हमारी सी एस एस है और जावा स्क्रिप्ट है उसको भी क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं आई हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ एस की बात करते हैं वेब पेजेस क्रिएटेड विद एस टी एम एल कैन ओनली बी स्टैटिक देखिए जो एस टी एम एल के थ्रू वेब पेजेस किए जाते हैं वो स्टैटिक हो सकता है द यूज ऑफ अदर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक वेबसाइट अगर हमें डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें दूसरी लैंग्वेजेस की क्या होती है नीड होती है टू मेक अ सिंपल वेब पेज अ लॉटर ऑफ कोड मस्ट बी रिटर्न देखिए सिंपल वेब पेज को क्रिएट करने के अंदर लॉट ऑफ कोडिंग उसके लिए करनी पड़ती है इट इज अर सिक्योरिटी फीचर इसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो थोड़े बेकार होते हैं आई एम आगे बात करते हैं एस टी एम एल एडिटर्स की बात करते हैं वी कैन यूज टेस्ट एडिटर टू क्रिएट एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट द टेक्ट एडिटर आर द प्रोग्राम दैट अलाउ एडिटिंग इन टेस्ट टू क्रिएट अ वेब पेज वी नीड टू राइट अवर कोड इन समेक्सट एडिटर्स देखिए जब हम बात करते हैं इसके अंदर हमें एस के अंदर बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं टाइपिंग करते हैं कोडिंग करते हैं टाइप एक तरह से हम कह सकते हैं टेक्स्ट को लिखते हैं कोडिंग करने के लिए

देखिए सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है और ये समझने में भी, भी बहुत आसान होते हैं जितने भी विंडोज के सारे वर्जन है सबके अंदर क्या कर रहा जा, हो जाएगा आपको मिल जाएगा आई हम बात करते हैं सबलाइन लाइन टेक्सट की बात करते हैं इट इज अ फ्री एंड ऑल्सो ऑफर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट फॉर विंडोज मैक एंड लाइन एक्स यूजर्स देखिए ये भी फ्री ऑफ अवेलेबल होता है लेकिन ये हमारा क्या है विंडोज को भी सपोर्ट करता है मैक लाइनेक्स और अदर्स को भी इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं बात करते हैं हम नेक्स्ट नोट पैड प्लस प्लस की बात करते हैं इट इज अ टिनी प्रोग्राम टू डाउनलोड एंड परफॉर्म द फंक्शन यू नीड फॉर राइटिंग क्लीन कोड ये भी एक तरह का टिनी प्रोग्राम होता है जिसको आप अपने सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं अभी बात करते हैं आगे हम कोमोडो एडिट की बात करते हैं इट इज द फ्री टू डाउनलोड इट ऑफर सिंपल ओपन सोर्स एडिटर विद अ वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन एंड लैंग्वेज सपोर्ट ये क्या होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं ये एक ओपन सोर्स एडिटर होता है हमारे सामने जिसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है

देखिए जो एस टी एम एल होता है इसके अंदर हमारे क्या होता है प्री डिफाइंड टैक्स होते हैं जिनको हम यूज करके ब्राउजर के अंदर क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं कभी भी हमें टैक्स को क्लोज करना भूलना नहीं चाहिए अगर हमारा टैग क्या होता है क्लोज नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा हमारा आइए इसका ओपनिंग टैग देख सकते हैं इस तरह से होता है एलिमेंट्स कंटेंट हम इसके अंदर देते हैं और ये इसके बाद हम उसको क्या करते हैं टैग को क्लोज करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आइए हम इसका एक बार फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं एन एस टी एम एल एलिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ स्टार्ट एंड एंड टैक्स विद कंटेंट बट कंटेंट पुट बिटवीन दैन

जो कंटेनर टैग होता है कंटेनर टैग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे क्या होता है ओपनिंग टैग होता है क्लोजिंग टैग होता है अगर कोई टैग हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है उसकी तो वो टैग्स हमारे कंटेनर टैग के लाते हैं इसके लिए हमें क्या होता है सबसे पहले जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इस तरीके फॉर्म के अंदर जब हम इसकी क्लोजिंग करते हैं तो हम ये फर्स्ट ये लगा के इसको क्या करते हैं क्लोजिंग का इसका साइन होता है आइए हम बात करते हैं एम टैग की एन एस्टिमेट टैग इज कॉल्ड एन एम्प्टी टैग वैन द टैग ओनली हैज एन ओपनिंग टैग एंड डज नॉट अ क्लोजिंग टैग और टैग इट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग फॉर एक्जाम्पल बी आर देखिए जो हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं इनके अंदर हमारे कोई ओपनिंग नहीं होती क्लोजिंग नहीं होती ये जस्ट एक सिंगल उसमें एन में दिए जाते हैं इनके ये इस तरीके से दिए जाते हैं जैसे यहाँ पे बी आर आपने दिया ये अपने आप ही क्या कर देगा लाइन को ब्रेक कर देगा ये अपने आप में कंप्लीट है इसके लिए कोई क्लोजिंग की हमें नीड नहीं होती नेक्स्ट बात करते हैं एस टी एम एल की बात करते हैं एट्रीब्यूट्स कंटेन एडिशनल पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन एस टी एम एल आर वैल्यूज एडिड टू द ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट टू कॉन्फिगर द एलिमेंट और चेंज द एलिमेंट डिफॉल्ट बिहेवियर देखिए जो एट्रीब्यूट होता है ये क्या करते हैं टेक्स के साथ यूज किए जाते हैं उनके एक पर्टिकुलर इस टेक्स के साथ ये एट्रीब्यूट वर्क करेगा ये इस तरह से इसका ये होगा इस तरीके से सब जो बताता है वो क्या बताता है एट्रीब्यूट बताते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूट हम यहाँ पे देख लेते हैं देख लीजिए यहाँ पे टैग uh, हमने लिया आई एम जी एस आर एस सी इक्वल टू फ्रॉड फ्रूट जेपी जी ऑल्टवल टू आर टेस्टी फ्रूट यहाँ पे इन द अब एग्जाम्पल द इमेज सोर्स एस आर सी एंड द ऑल टेक्स्ट ऑल्ट आर द एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग देखिए यहाँ पे क्या है हमारे सामने जो आई एम जी एस आर सी है ये हमारा एस आर सी ये हमारी इमेज को इसके अंदर ऐड किया जाता है और ये हमारे क्या है ऑल्ट इसका क्या है एक्ट्रीब्यूट है ये जो इसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एस आर सी बता रहा है कि फ्रोड जे पी जी आप इसके अंदर ऐड करेंगे ऑल्टरनेटिव में आप ये डिस्प्ले करेंगे ये सब क्या है इसके आई एम जी के क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स एस टी एम एल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ अ नेम एंड अ वैल्यू यूजिंग द सिंटेक्स नेम इक्वल टू वैल्यू एंड कैन बी एडिट टू द ओपनिंग टैग ऑफ एन एस टी एम एल एलिमेंट टू कॉन्फिगर और चेंज द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट देखिये एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारा टैग है उसके हमें क्या उसके अंदर देना उसका जैसे हमारा पैराग्राफ के अंदर उसका फोन चेंज करना तो एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम ये सब काम क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं हम बात करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग एस टी एम एल फाइव कोड्स अब हम बात करते हैं एस टी एम एल फाइव कोड्स के अंदर रूल्स की कि किस रूल्स को यूज करके हम इसके अंदर कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं चलिए तो हम देखते हैं देर आर सम बेसिक रूल्स वी हैव टू फॉलो टू राइट एस टी एम एल कोड दीज आर देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करके ही हम एस टी एम एल कोड्स की कोडिंग कर सकते हैं उनको देखते हैं हम कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज प्रॉपरली जो कंटेनर टैग है वो हमें क्या होना चाहिए क्लोजली प्रॉपरली क्या होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए डबल कोर्ट जो वैल्यूज होती है एट्रीब्यूट के अंदर वो हमेशा क्या होनी चाहिए डबल कोर्ट के अंदर क्या होनी चाहिए गवन होनी चाहिए टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसिस जो टैग नेम्स होता है उनके अंदर क्या होनी चाहिए स्पेस नहीं होना चाहिए देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन एंड इन अ टैग देखिए कभी भी टैग्स के बीच में कोई स्पेसिस नहीं होना चाहिए टैग्स मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली जो टैग होने वो नेस्टेड हो मतलब तो एक के बाद एक के बाद सही सीक्वेंस में वो गिविन किए जाने चाहिए आइए हम बात करते हैं एस टी एम एल फाइव डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट इज ये देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नोट के अंदर इसकी कोडिंग की गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एस टी एम एल हमारे यहाँ पे गिवन हेड हमारा गिविन है जब से इसका स्टैंडर्ड होता है कभी भी कोडिंग करने के सबसे पहले हम एस टी एम एल हेड की हम वो टैग की बात करेंगे वो गिव करेंगे उसके बाद हेडिंग जो हम उसे हेडिंग इन करना चाहते हैं फिर टाइटल हम उसको टाइटल तो हमारा डिस्प्ले होगा उस टाइटल बारे में उसमें वो आएगा फिर हम हेड टैग को क्लोज करते हैं फिर बॉडी देते हैं फिर जो भी बॉडी के अंदर हमें कोडिंग करनी होती है वो कोडिंग हम इसके अंदर गिव कर देते हैं और टैक्स को हम इस तरीके से वन बाय वन क्लोज कर देते हैं हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल टैक्स ऑफ एसटीएमल ऑल एसटीएम टैग डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन जितने भी एसटीएमल के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप एस्टीएमल डिक्लेरेशन से स्टार्ट होते हैं देर आर फोर सेट

हम बात करते हैं डॉक टाइप एस टी एम एल की अ डॉक टाइप ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इज अ डायरेक्टिव दैट इन्फॉर्म द वेब ब्राउजर ऑफ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द करंट पेज इट इज नॉट अ टैग और एन एलिमेंट देर इज नो केस डिस्टिंक्शन इन द डॉकर टाइप स्टेटमेंट देखिए जो डॉक टाइप होता है ये डिक्लेयर करता है कि जो हमारा पेज है वो हमारा किस तरह से डायरेक्टिव हो रहा है किस तरह से उसके अंदर यूज किया जा रहा है इसके अंदर क्या होता है इसके स्टेटमेंट हमारी इस तरह से पहले हम इसको इस तरह से गिवन करके हम स्टार्ट करते हैं किसी भी ब्राउजर के अंदर कोडिंग करना किसी भी एडिटर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एस टी एम एल की और एस टी एम एल को हम स्टार्ट इससे करते हैं एंड इससे करते हैं दिस बेसिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज एंड एंड ऑफ द एस टी एम एल डॉक्यूमेंट ऑल अदर टैक्स मस्ट फॉल बिटवीन द एस टी एम एल टैक्स देखिए जो इसका डिफाइनिंग का स्ट्रक्चर होता है एस टी एम एल यहाँ से स्टार्ट होता है क्लोज इस तरह से होता है जो भी हम गिव इन करते हैं फिर इसके अंदर हम जो भी एस टी एम एल के अंदर हमें देनी होती है अकॉर्डिंग सारी स्टार्टिंग और एंडिंग इसके बीच में हो एड टैक्स की बात करते हैं द हेडर कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट दैट विल नॉट अपीयर ऑन द एक्चुअल पेज सच एज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट द ऑथर एक्सेट्रा हेडर जो होता है हेडर के अंदर हम क्या करते हैं जो भी हमें हेडिंग करनी होती है वो हम इसके अंदर गिव इन करते हैं टाइटल की हम बात करते हैं द टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल दैट विल अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ योर वेब ब्राउजर द टाइटल जस्ट अपीयर बिटवीन द हेड दस देखिए जो टाइटल टैग होता है वो हमारे हेड टैग के बिटवीन में आता है जो टाइटल हम इसको गिवन करेंगे वो हमारे वेब ब्राउजर्स के जो टाइटल पेज होता है उसके ऊपर क्या होगा शो होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी की द बॉडी टैग कंटेंट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अदर विजिबल कंटेंट ऑन द पेज ऑल योर इमेजेस लिंक्स एंड प्लेन टैक्स मस्ट बी गो बिटवीन एंड टैक्स देखिए जो भी हमारी बॉडी होती है टैग की होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं सारे के सारे जो भी हमें विजिबल कंटेंट्स वगैरह गिविन करना होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर उसको क्या करते हैं लिखते हैं टाइप करते हैं कोड करते हैं आइए देखते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग एंड एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरीके से क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं उसको देखते हैं को और सेव करने के हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं उनको देखते हैं वन बाय वन स्टेप वन ओपन नोटपैड प्रोग्राम सबसे पहले हम नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करेंगे स्टेप टू राइट द एस्टिमल कोड एस गिविन उसके बाद हम उसके अंदर जैसे यहाँ पे हमने कोड गिव कर रखा है ऐसे हम उसके अंदर टाइप करेंगे स्टेप थर्ड के अंदर क्लिक ऑन द फाइल सेव ऑप्शन सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन उसके बाद हम किस पे जाएंगे फाइल पे जाएंगे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा स्टेप फोर की बात करते हैं सिलेक्ट द फोल्डर ऑफ योर चॉइस एंड सेव योर डॉक्यूमेंट बाय गिविंग अ नेम वेब पेज वेब पेज फॉलोड बाय अ सफिक्स एस और एम फॉर एग्जांपल वेब पेज एस इसके बाद हम क्या करेंगे उस फोल्डर को चूज करेंगे जहां पे भी हमें सेव करना है हमें यहाँ पे क्या करेंगे नाम देंगे और डॉट एस टी एम फाइल को फोल्डर को हम क्या कर देंगे सेव कर देंगे नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप फिफ्थ क्लिक ऑन द सेव बटन योर एस टी एमल डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड उसके बाद हम किस पे क्लिक कर देंगे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एस टी एमल डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा सेव्ड हो जाएगा आइए नेक्स्ट बात करते हैं व्यूइंग एन एस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं एस डॉक्यूमेंट को देखना किस तरीके से देख सकते हैं एस डॉक्यूमेंट विच यू हैव क्रिएटेड कैन बी व्यूड ऑन एनी वेब ब्राउजर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोर ओपेरा मोजिला फायरबॉक्स बॉक्स एक्सेट्रा देखिये जो एस डॉक्यूमेंट है वो हमारा क्या कर सकता है डिफरेंट बाय ब्राउजर्स के अंदर क्रिएट किया जा सकता है जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया ओपेरा के अंदर हो गया इसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं टू व्यू एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट डबल क्लिक ऑन द क्रिएटेड आइकन टू व्यू एन एस टी एम एल किसी भी एस टी एम एल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम उसका जहाँ पे भी वो क्रिएट किया है उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्या है एक रिविजन स्टेशन हम देखते हैं सोल्व द कॉसवर्ड यहाँ पे हमें क्रॉस वर्ड को सोल्व करना है इसको करते हैं हम सबसे पहला आएगा हमारा एस टी एम एल यहाँ हमारा एस टी एम एल लैंग्वेज नेक्स्ट हमारा वेब पेज नेक्स्ट हमारा हेड मेंट नेक्स्ट देखता हम इंट्रोड्यूसिंग सी एस एस थ्री की हम बात करते हैं सी एस एस कास्ट के स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ अ वेब पेज रिटन इन एस सीएसएस सी एस एस थ्री इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी एस एस एंड ब्रिंक अ वाइड रेंज ऑफ स्टाइलिंग ऑप्शन एंड एनहेंसमेंट टू वेब डिजाइन देखिए सी एस एस जो होती है हमारी कास्टकेडिंग स्टाइल शीट होती है इसका काम क्या क्या कहे हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वेब पेज की उसको क्या कर देती है बहुत एनहेंस कर देती है इनक्रीज कर देती है इसका जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो हमारा क्या है इसका लेटेस्ट वर्जन है सी एस एस थ्री जो लेटेस्ट वर्जन है ये वाइड ड्राइव रेंज इसके अंदर क्या है? होता है स्टाइलिंग ऑप्शन होते हैं जो वेब पेज की डिजाइनिंग को क्या कर देते हैं एनहेंस कर देते हैं CSS एस एस वर्क बाय सेक्टिंग एस टी एम एल एलिमेंट एंड अपलाइंग स्टाइल टू दैम स्टाइल कैन इंक्लूड प्रॉपर्टीज लाइक कलर फोन साइज मार्जिन एंड पोजिशनिंग बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सी अप्लाइड एस देखिए जो एस टी है हमारा वर्क करती है वो किसके करती है एस के एलिमेंट्स के ऊपर काम करती है उनके साथ मिलकर काम करती है ये क्या करती है बस उसको जैसे साइज हो गया मार्जिन हो गया पोजीशंस हो गया ये सब चीज़ें सेट कर देती है हमारी शीट्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे आपसे हमने एस टीमल दिया टाइटल इंट्रोड्यूसिंग हमने यहाँ पे दिया स्टाइल दिया हमने उसको कलर क्या देना है फोन साइज क्या देना है एडिंग को इस तरह से जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना HTML, उसका जो वेब पेज हम इसके थ्रू क्रिएट करते हैं उसके स्टाइलिंग को इम्प्रूव कर देती है ये टैग्स इसके अंदर एसटीमएल के यूज होता है एसटीमल के साथ ही वर्क करती है इन दिस used वी हैव element एलिमेंट टू डिफाइन rule. These rules target the h1 द p elements एंड पी their एंड font साइजेस एंड margins. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या करा h1 दिया पी को दिया h1 वन हेडिंग को कलर देगा ब्लू फोन साइज देगा ट्वेंटी फोर एक्स यहाँ पे पी मतलब पैराग्राफ को देगा कलर उसका ग्रीन देगा मार्जिन लेफ्ट उसको करेगा इस अपनी शीट के के अंदर अंदर जो भी क्या हैं हम वेब पेजेस बनाने जा रहे हैं। उन पे हेडिंग का नाम कलर आएगा 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 ब्लू आएगा, साइज़ आएगा, पिक्सल आएगा, और जो पैराग्राफ है उसका कलर ग्रीन आएगा और मार्जिन उसका लेफ्ट हमने कर दिया दियामेशन एंड ट्रांजिशन टू और मोर क्रिएटिव एंड इंट्रेक्टिव इन वेब डिजाइनिंग देखिए जो एस एस थ्री इंट्रोड्यूस करता है हमें बहुत अच्छे फीचर जैसे राउंडेड कॉर्नर दे देता दे है शीट को ग्रेडियंट्स देते हैं एनिमेशन हम उसके थ्रू कर सकते हैं ट्रांजिशन का अलाउ करता है जो हमारे वेब डिजाइनिंग के पेज की इंट्रैक्टिविटी को क्या कर देता दे है इंप्रूव कर देता है यूजिंग सी एस एस स्टाइल की बात करते हैं देर आर थ्री वेज टू यूज सी एस एस स्टाइल इन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट दीज आर देखिए यहाँ पे थ्री वेज होते हैं सी एस एस स्टाइल को क्रिएट करने के लिए उनको हम देख लेते हैं इन लाइन स्टाइल की बात कर लेते हैं इन लाइन आर अप्लाइड डायरेक्टली टू इंडिविजुअल एस टी एम एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट दिस स्टाइल हैव द हाइस्ट स्पेसिफिसिटी मीनिंग दे ओवर राइड अदर स्टाइल्स देखिए हम इन लाइन स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिविजुअल एस टी एम एल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया जाते हैं ये हमारे इनके अंदर हाईस्ट हमारे क्या होते हैं स्पेसिफिटी होती है जो स्टाइल होती है आई एस का हम देख लेते हैं बॉडी स्टाइल कलर ब्लू फोन साइज एटीन पी एक्स इज दिन लाइन स्टाइल बॉडी देखिए जब हम इनलाइन स्टाइल देते हैं तो हम बॉडी स्टाइल लिखते हैं कलर लिखते हैं इस तरह से उसको हम एक हैडर में गिव इन कर देते हैं ये एक तरह का इनलाइन स्टाइल होता है हमारा इसके प्रोज देख लेते हैं

आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पे इसको कोड करके हमने इसको यहाँ पे गिव इन कर दिया देखिए यहाँ पे हेड लिख दिया हमने लिंक कर दिया उसको रिलेटेड स्टाइल शीट को हमने यहाँ पे लिंक बना लिया उसको एच आर एफ हमने रेफरेंस दे दिया इस तरीके से हम एक्सटर्नली लिंक कर लेते हैं तो आप ही सोचिए किस तरीके से एक्सटर्नल लिंक होने से हमें बेनिफिट हो जाएगा मल्टीपल पेजेस पे उसको क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं ये इसका आउटपुट जब इसको रन करेंगे तो इस तरीके से आउटपुट आएगा दिस इज दिस इज द पैरा अब इसके हम प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं प्रोज देख लेते हैं एक्सटर्नल स्टाइल प्रोमोट्स कोड एंड मेंटेनेबिलिटी ये क्या करता है हम कोड को बार बार रीयूज भी कर सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं इसके थ्रू कॉन्स की बात कर लेते हैं स्लो डाउन द पेज लोडिंग इसके अंदर क्या होता है? है जो हमारे पेज को क्या करते थे थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है रनिंग के टाइम पे बात करते हैं हम एडिटिंग एंड एग्जिस्टिंग एस टी एम एल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं इसके अंदर हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं एस टी एम एल को से हम एग्जिस्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं फॉलो द स्टेप टू एडिट एस टी एम डॉक्यूमेंट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट को एक के अंदर एडिट करने के लिए हमें क्या करना होगा उसको देखते हैं स्टेप वन फाइंड योर फाइल सबसे पहले हम फाइल को फाइंड आउट करेंगे ऑन द फाइल आइकन उसके बाद फाइल आइकन पे हम राइट right क्लिक करेंगे स्टेप थर्ड ओवर द माउस पॉइंट ओवर द ओपन विद्शन टू ओपन अ सब मैन्यू उसके बाद हमारे सामने जो एक सब मैन्यू आएगा उस पर हम ओपन पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्टेप फोर्थ क्लिक ऑन नोटपैड उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे नोटपैड पर क्लिक करेंगे जैसे हम नोटपैड पर क्लिक करेंगे द एस्टिमल फाइल विल ओपन मेक द नेरी चेंजेस एंड देन सेव द फाइल टू व्यू देंजेस ओपन द फाइल इफ द फाइल इज ऑलरेडी ओपन प्रेस एफ फाइव टू सी देंज देखिए अब उसके बाद हमारे सामने फाइल ओपन हो जाएगी एस की उसके अंदर हमें जो भी चेंजेस करने वो हैं वो चेंजेस हम उसके अंदर कर सकते हैं अगर हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है तो उसको देख सकते हैं हम एफ को प्रेस करके उसके अंदर चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं चलिए इसका हम रिविजन स्टेशन देख लेते हैं आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाइन द गिंग टैग इन टू द करेक्ट कॉलम्स यहाँ पे हमें क्या करना है करेक्ट कॉलम्स के अंदर इनको करना है फिट करना है आप ये देखिए हमारा जो इनपुट टैग है इनपुट टैग हमारा क्या होता है एम्प्टी टैग होता है एमटी टैग होता है हमारा पैराग्राफ टैग जो होता है वो हमारा कंटेनर टैग होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक टैग जो होता है हमारा एमटी टैग होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल्स जो होता है वो हमारा क्या होता है एमटी टैग होता है नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइटल टैग की टाइटल टैग जो होता है हमारा क्या होता है वो हमारा कंटेनर टैग होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज टैग की वो भी हमारा क्या होता है कंटेनर टैग होता है नेक्स्ट हम हेडिंग टैग की बात करते हैं वो भी हमारा क्या होता है एम्प्टी टैग होता है लिंक की बात करते हैं वो भी हमारा क्या होता है एम्प्टी टैग होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट की बात करते हैं वो हमारा कंटेनर टैग होता है नेक्स्ट बात करते हैं हम बोल्ड की वो हमारा क्या होता है एम टैग होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट टैग की इनपुट टैग भी हमारा क्या होता है एम टैग होता है वो हमने पहले से इसके अंदर मेंशन कर दिया है आइए हम इसका देखते हैं देखते हैं एस टी एम एल इज द मार्कअप लैंग्वेज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग कंटेंट ऑन अ वैब पेज देखिए जो एस टी एम एल होती है वो हमारे मार्कअप लैंग्वेज होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती ये वेब पेजेस के कंटेंट को सेट करने के लिए हमारी यूज होती है एस टी एम एल फाइव इंट्रोड्यूस सीमेंटिक्स एलिमेंट्स लाइक हेडर्स, फूटर एंड नैब विच प्रोवाइड मीनिंग टू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वैब पेज देखिए एस टी एम एल जो हमारे इंट्रोड्यूस कहते हैं एलिमेंट जैसे हमारे फूटर नैब ये करती है एस टी एम एल इज सपोर्टेड बाई ऑल द मेजर वेब ब्राउजर्स मेकिंग इट इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर वेब कंटेंट देखिये जो एस टी एम एल है वो सारे के सारे वेब ब्राउजर्स है उसको सपोर्ट करते हैं इसलिए इसका एक अपना स्टैंडर्ड है आई एम एस का बैकअप स्टेशन देख लेते हैं जिसके अंदर इसके समेराइज पॉइंट्स हैं एस टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो एस टी एम एल होती है वो हमारी हाइपर मार्कअप लैंग्वेज उसके स्टैंड करती है उसकी फुल फॉर्म होती है इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज से इसके अंदर बना सकते हैं ब्राउजर्स रिसीव एस टी एम एल एंड सी एस ए रेस्पॉन्स वैन कंटेनिंग अ सर्वर ब्राउजर्स जो होते हैं इसके अंदर क्या करते हैं एस टी एम एल और सी एस एस रेस्पॉस को कंटेन करते हैं एस टी एम एलिंग एंड रिकॉगनाइजेबल जो एस टी एम एरियस टैक्स यूज कर दिए जाते हैं जो पेज इसको क्या करते हैं अपेलिंग बनाते, बनाते हैं रिकोगनाइजेबल बनाते हैं कॉमन टेक्स एडिटर इंक्लूड नोट पैड सबलाइन टेक्स थ्री नोट पैड प्लस प्लस एंड कॉमोडो एडिट इसके अंदर हमारे जो कॉमन टेक्स एडिटर जैसे हमारे नोट पैड सबलाइन ये यूज होते हैं

डार्कन ऑन द करेक्ट ऑप्शन इन दर शीट शीट के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है हमें क्या करना है डार्क करना है वॉट डी एम एल स्टैंड एस टी एम एल किसके लिए स्टैंड होती है उसकी हमारी टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर लिंक टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज वह इसकी हमारा ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हाईपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट बात करते हैं हम एस टी एम एल इज़ यूज फॉर जो एस टी एम एल होती है वो किसके लिए यूज होती है वीडियो एडिटिंग के लिए क्रिएटिंग वेब पेजेस के लिए इमेज मैनुपुलेशन के लिए केम डेवलपमेंट के लिए वो होती है हमारी क्रिएटिंग वेब पेजेस के लिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर विच वर्जन ऑफ एस टी एम एल इंट्रोड्यूस एडिशनल टेक्स एंड फीचर्स टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग वैब पेज इस कौन सा किसके लिए किया जाता है लुकिंग वैब पेज बनाने के लिए हमारे सामने ऑप्शन है एस टी एम एल वन पॉइंट जीरो एस टी एम एल टू पॉइंट जीरो एस टी एम एल फाइव एस टीमएल फोर वो है हमारे सामने ऑप्शन आंसर एस टी एम एल फाइव वॉट इज द पर्पज ऑफ सी एस एस काटिंग स्टाइल शीट का हमारा क्या पर्पज है तो टू क्रिएट अ वेब पेजेस टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ द वेब पेजेज टू मैनेज सर्वर साइड ऑपरेशन टू हैंडल डेटा बेस कनेक्शन उसका काम है टू क्रिएट कंट्रोल द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ द वेब पेजेस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिविन वर्ड्स यहाँ पे मेरे सामने कुछ वर्ड्स गिविन है उसके यूज करके हम क्या करेंगे ब्लैंक्स को फिल करेंगे क्रिएट्स ब्लैंक टू देश सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड एंड मैन्युपुलेटेड मशीन यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे एनोएट नेक्स्ट देखते हैं सी एस एस थ्री इंट्रोड्यूस फीचर्स लाइक क्या करती है वो हमारा राउंड आउट कॉर्नर फीचर से अलाउ करती है मैं नीचे लिख रही हूं आपके लिए नेक्स्ट देखते हैं हम एन एस्टीमेल इट एलिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लैंक एंड एंड टेक्स विद कंटेंट बिटवीन होता हमारा स्टार्ट एंड एंड द नेक्स्ट देखते हैं इफ एन एचटीएमएल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इट इज नॉन एज वो कहलाता है हमारा कंटेनर टैग नेक्स्ट देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे टिम बर्नर्सली इन्वेंटेड एचटीएमएल इन 1991 ट्रू नेक्स्ट देखते हम सी एस स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू एस टी एम एल एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट एक्सटर्नल स्टाइल इन सी एस एस आर डिफाइंड एसटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट जो एक्सटर्नल स्टाइल होता है फॉल्स एसटीएमएल आर वैल्यूज एडिड टू द क्लोजिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट टू कॉन्फिगर द एलिमेंट और चेंज इज फॉल्स स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे होपफुल ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में होगा चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन अ नाइस डे